देसी एंड सिंपल रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू परवल की सब्जी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। आज हम बनाएंगे परवल की सब्जी। इस तरह से परवल रहती है, हम इसे ऐसे करके छिलका निकालेंगे। अब ये छिलके हमने कट भी कर लिए हैं और एक आलू काटा है लंबा लंबा, इसे हम फ्राई करेंगे। अब गरम कढ़ाई में डालेंगे, फ्राई के लिए तेल डालेंगे एक चम्मच, और गरम तेल में परवल और आलू डाल देंगे। अच्छी तरह से फ्राई करना है। मसाले के लिए लिया है हमने प्याज, टमाटर, अदरक और मिर्च। मिर्च को हम लंबा लंबा काटेंगे, ऐसे बीच में से चीरा लगा के ऐसे काटेंगे, जितने हम मिर्च खाते हैं। और प्याज को घिस लेंगे, टमाटर को भी घिसना है और अदरक को भी। अब परवल आलू फ्राई हो चुके हैं, हम निकाल देंगे। मसाले के लिए लेंगे हम धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और हल्दी। इसमें हम पानी डालकर पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनानी है हमें। गरम तेल में डालेंगे कलौंजी, कटी हुई हरी मिर्च, फ्राई करेंगे, प्याज डाल देंगे, घिसा हुआ अदरक भी डाल देंगे, थोड़ा सा भून लेंगे, घिसा हुआ टमाटर भी डाल देंगे। मसाला थोड़ा भूनने के बाद ये मसाला पेस्ट भी डाल देंगे। अच्छी तरह भून लेंगे तेल छूटने तक। तेल छूटने के बाद परवल आलू डाल देंगे। थोड़ा अच्छे से फ्राई होने के बाद, फ्राई तो दोनों ही पहले किए थे हमने, थोड़ा ही फ्राई कर रहे हैं, और पानी डाल देंगे थोड़ा सा, आधा ग्लास। 10 मिनट ढकने के बाद अब देखेंगे, बहुत ही सुंदर बन गई है, कलर भी बहुत अच्छा है। अब ये परवल आलू खाने के लिए तैयार है। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।